हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बैंगन की बहुत ही टेस्टी स्नैक्स रेसिपी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, हमें उम्मीद है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैंगन ली है और बैंगन को हमें काटना है। तो यहाँ पर जो बैंगन की पीसेस है वो बहुत ही पतली पतली कुछ इस तरीके से आपको काट लेना है। दो बैंगन से बहुत सारे स्नैक्स आप बना सकते हैं बहुत ही इजीली और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बस एक बार बना के देखिए, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ऐसे आपको पीसेस कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो पीसेस बन रही है ना, वो बहुत ज़्यादा पतली बन रही है। तो यहाँ पे बैंगन की पीसेस हमने कर ली है कुछ इस तरीके से। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें लेना है एक प्लेट और इसमें इस तरीके से इसके पीसेस को रखना है और ऊपर से रखना है सॉल्ट। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सॉल्ट डालना है बहुत ही कम मात्रा में और कुछ इस तरीके से डाल देना है। फिर ऊपर से और एक स्लाइस आपको रखना है कुछ इस तरीके से। एक एक पीसेस रखना है, उसके ऊपर सॉल्ट रखना है, फिर दोबारा उसके ऊपर और भी पीसेस रखना है। इस तरीके से जितना भी पीसेस है वो आपको सेट कर लेना है। ऐसे करने से जो स्नैक्स बनेगी ना बहुत ही अच्छी बनेगी और इसके अंदर आप स्ट्राफिंग डालेंगे ना, स्ट्राफिंग फोल्ड करते वक्त बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने सेट कर ली है, इसके कवर को बंद करेंगे और फिर इसे 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। तब तक एक आलू की मसाला बनाएंगे। तो पैन में डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल, फिर यहाँ पर कुछ हम बादाम और काजू ऐड करके हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बादाम ऐड की है। हल्का सा भूनने के बाद यहाँ पे हम काजू भी डाल देंगे और हल्का सा भून लेंगे। जैसे ये फ्राई हो जाएगी इसे हम निकालेंगे। इसे निकालने के बाद सेम पैन में हम कुछ खड़े मसाला डालेंगे, जैसे रेड चिली डाल देंगे, इसी के साथ साथ 5 फोड़न जीरा, कालो जीरा और कुछ सेकंड के लिए बस हम इसे फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई होने के बाद इसमें हम डाल देंगे अदरक। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून अदरक यूज़ की है और यहाँ पे अदरक का हमने ग्रेट कर ली है। बहुत ही बढ़िया से खुशबू आ रही है। तो अब यहाँ पे कुछ सूखे मसाला डालेंगे, जैसे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक। और फिर हल्का सा हम मसाला को भून लेंगे। भूनने के बाद यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे मटर। तो यहाँ पे मैंने मटर का इस्तेमाल की है। अगर मटर नहीं है तो भी सिर्फ आलू से भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा मटर को भून ली है। अब यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की मैंने आलू को ऐसे क्रम्बल क्रश कर ली है, वो भी इसके साथ अच्छे से मिला लेंगे। ये जो स्ट्राफिंग बन रही है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बैंगन की स्नैक्स रेसिपी को जस्ट एक बार ट्राई कीजिए। इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता और फिर उसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ काजू और बादाम और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये जो स्नैक्स बनेगी ना फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी बनते हैं और उसी के साथ बिल्कुल नए अंदाज में एक बार सबको बना के खिलाए, सब बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये हमारी आलू की स्ट्राफिंग रेडी है। तो अब क्या करना है, जो बैंगन हमने पहले से रखा है 30 मिनट्स बाद फिर इसके कवर को हम ओपन करेंगे। अभी क्या है, ये बैंगन की पीसेस जो है वो सॉफ्ट हो चुका है और इसमें से पानी बाहर आई है। तो इसमें यहाँ पे एक टिश्यू पेपर हमने ली है, इसके ऊपर रखेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको रखना है और अच्छे से इसे आप कॉटन के कपड़े से भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। कॉटन के कपड़े में रख के अच्छे से एक्स्ट्रा पानी को निकाल दे और उसके बाद जो स्ट्राफिंग हमने बनाई है वो इस तरीके से इसमें रखना है। जितना भी पीसेस है सेम प्रोसेस में ऐसे ही आपको स्ट्राफिंग डाल देना है। ऐसे स्ट्राफिंग डालने के बाद फिर इसे आपको फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये फोल्ड हो रहा है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली फोल्ड हो जाता है और बहुत ही क्विकली बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने टूथपिक ली है और उसकी मदद से कुछ इस तरीके से इसे अटक देंगे ताकि फ्राई करते वक्त बहुत ही आसान हो जाएगी, बाद में आप इसे निकाल देना है।
तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको इसे फोल्ड कर लेना है। आप देख ही सकते हैं बहुत ही इजीली बन जाते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे एक बाउल में हमें लेना है बेसन। तो यहाँ पे हमने ली है 2 टीस्पून बेसन, इसी के साथ हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, इसमें हम डाल देंगे सूखी लाल मिर्च पाउडर, इसी के साथ जीरा पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल के इसकी एक बैटर हमको बना लेना है। तो यहाँ पे जो बैटर है वो थोड़ा थिक बनेगी, तो यहाँ पे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फिर इसके एक बैटर आपको बना लेना है। बैटर के अंदर इस तरीके से बैंगन की पीसेस को डालना है और अच्छे से बैटर लगाने के बाद फिर हम चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। सेम प्रोसेस में बैटर लगाएंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। तो ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है, 4 से 5 मिनट लगते हैं फ्राई होने में। इस तरीके से पलटना है, तो यहाँ पे जैसे आप ऑयल में डालेंगे तो ये खोलते नहीं है, तो उस टाइम आप टूथपिक को बाहर कर ले सकते हैं और या तो आप फ्राई करें और उसके बाद इसे निकालें। तो कुछ इस तरीके से आपको पलटते हुए हर एक साइड फ्राई कर लेना है। बहुत ही इजीली फ्राई हो जाता है और खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस आप इस स्नैक्स को एक बार ज़रूर ट्राई करें। घर में कोई पार्टी हो या कोई मेहमान आ रही है तो इस स्नैक्स रेसिपी को एक बार बना के ज़रूर सर्व कीजिए, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं बढ़िया से फ्राई हो चुका है, तो मैं इसे अब निकालूंगी और सेम प्रोसेस में जितना भी स्नैक्स है ना वो हम फ्राई कर लेंगे। ज़बरदस्त गर्मा गर्म आपको इसे साफ करना है। तो आज की इस रेसिपी आप देख ही सकते हैं कितनी इजीली और कितनी जल्दी कितनी टेस्टी बन के रेडी है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसी तरीके से इजी टेस्टी रेसिपी देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें।